इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज़ कंट्रोल्ड सुपरवाइज बाय द मिडिल लाइन मैनेजमेंट मिडिल लाइन मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है ह्यूमन स्किल कंसेप्चुअल स्किल के मुकाबले में ज्यादा होता है और टेक्निकल स्किल उसके मुकाबले में कम होता है फाइनली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसमें कंसेप्चुअल स्किल सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमन स्किल कम होता है टेक्निकल स्किल उससे कम होता है कन्सैपचुअल स्किल होता क्या है कंसेपचुअल स्किल एक ऐसा स्किल है जिसमें हम चीज़ों की ब्रॉडर स्नारीयों में देखते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं सोल्यूशन फाइंड करते हैं इसे कंसेपचुअल स्किल कहते हैं ह्यूमन स्किल में लोगों के साथ इंटरेक्शन देखी जाती है हाउ टू डील विद अदर पीपल हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर पीपल इसको ह्यूमन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं और जो टेक्निकल स्किल है ये प्रोफिशेंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड होती है इसे हम लोग टेक्निकल स्किल कहते हैं जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है इसमें टेक्निकल स्किल ज़्यादा होता है ह्यूमन स्किल टेक्निकल स्किल के मुकाबले में कंपेरेटिवली कम होता है और कंसेपचुअल स्किल सबसे कम होता है इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट उस वक़्त तक रिजल्ट अचीव नहीं कर सकती जब तक कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको प्रॉपर असिस्ट ना करे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर रिलेटिंग टू वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ इंक्लूडिंग द फॉलोइंग

हाउ दे विल गेट सुपरविजन फ्राम दिस इमिजिएट बॉसिस इसको हम और कहते हैं और सोशलाइजेशन में बाकायदा इस किस्म का एहतमाम नहीं किया जाता बल्कि सोशलाइजेशन में नए आने वाला इम्प्लाई ऑटोमेटिकली ही अचीव लर्न फ्राम सीनियर इम्प्लाइज दिस इज नोन एज सोशलाइजेशन लेकिन बेटर वे है कि देर मस्ट भी सम सॉर्ट ऑफ ओरिएियंटेशन ताकि नए आने वाले इम्प्लाई को बाकायदा कोडल फार्मेलिटीज रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम चीज़ें शेयर की जाएँ Second, ensuring द new and experienced employees receive the safety and health training they need on a continual basis. जो सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या उनमें जो इम्प्रूवमेंट है जो बेहतरी है उसमें नए आने वाले एम्प्लाइज़ को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर अपग्रेड किया जाना चाहिए अगर आप कंटिन्यूसली अपग्रेड नहीं करेंगे अ टाइम विल कम वेन यूर एम्प्लॉय विल लूज इंटरेस्ट इन देर ऑर्गनाइजेशन एंड इट sort of severe इंजरी इन in the प्लेस monitoring employee परफॉर्मेंस एंड एनफोर्सिंग सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें दो एस्पेक्ट डी स्टूडेंट्स देखे जाते हैं एक एम्प्लाई की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है कंटिन्यूसली और साथ इम्प्लॉ के जो सेफ्टी के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी एवेलुएट किया जाता है मैंने आपसे ये डिस्कस करना है कि जो एवेल्युएशन है इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड स्टैंडफॉमेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना इसको अवैल्यूएशन कहते हैं अगर इम्प्लॉय की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर जाती है यू विल अचीव योर स्टैंडर्ड्स तो देर विल बी अ गुड परफॉर्मेंस बाई योर एम्प्लॉयजोंसिबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर रिलेटेड टू वर्क प्लेस सेफ्टी फर्दर इंक्लूड्स दीज पॉइंट्स असिस्टिंग सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन कंडक्टिंग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें दो तीन एस्पेक्ट ये स्टूडेंट्स हमने देखने हैं एक्सीडेंट होने की वजूहत एक्सीडेंट होने की काजिज और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना और लास्ट पॉइंट में ये डिस्कस किया जाना है द सेफ वे इज़ द राइट वे तो फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट है उसमें यह डिस्कस किया गया है कि आप जो एग्जिटिंग एम्प्लाईज़ हैं वो बाकी नए आने वाले एम्प्लाई के साथ अगर किसी किस्म की उनको नॉलेज या न हो नहीं है पहले उनको गाइड करें अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इवेंट अक्टर हो जाता है तो उस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करें अथॉरिटीज को और अगर आपकी ड्यूटी लगती है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस एक्सीडेंट के तमाम प्लॉज एंड कॉन काज और आउटकम इनको देखते हुए रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और वो रिपोर्ट आप अथॉरिटीज को प्रेजेंट की जाती है ताकि नेक्स्ट टाइम उस किस्म का इवेंट अक्ल ना हो और लास्ट जो पॉइंट है इसमें उसमें ये डिस्कस किया गया है जो बेस्ट प्रैक्टिस है वर्क प्लेस की वो ये है द सेफ वे इज द राइट वे एम्प्लाई के माइंड में इस बात को इंकलकेट कर दें एम्बेड कर दें कि द सेफ वे इज द राइट वे इसके अलावा कोई भी वहां पर एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन को सेफ वे में काम दे सकती है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट फेलियर इंक्लूड्स द फॉलोइंग नंबर वन पुअर अउस कीपिंग और इम यूज़ ऑफ़ टूल्स इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज़ की वजह से ही ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ रूनमा हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल व हाउस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन में तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं इन्वेंट्रीज़ हैं उनको प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए प्रॉपर उनकी शेल्फिंग होनी चाहिए जो प्रोडक्ट जिस खाने के अंदर रखनी चाहिए वहाँ पर उसको मौजूद होना चाहिए अगर आप वहाँ पर नहीं रखते वट विल हैपन Chances ऑफ इंजरीज में भी there. वो अगर रस्ते में पड़ी हुई है अगर आप चल रही हैं और आप उसको केयर नहीं कह रहे केयर लैस एटीच्यूड है तो चांसिस देअर कि देर में भी समर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स इन द वर्क प्लेस इसके अलावा बाजार प्रेशर ऑफ़ डेड लाइन्स एम्प्लॉज़ के ऊपर जो डेड लाइन होती है फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क विद इन फिफ्टीन डेज एंड इट हैज़ बिन सीन मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉज़ आर नॉट कम्प्लीटिंग दे वर्क विद इन फिफ्टीन डेज देयर इज़ नीड फॉर एक्स्ट्रा वर्क ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो पहले दस बारह तेरह दिन में वो बायदा कंसनट्रेशन से काम नहीं कर रहे होते ये वजह है कि उनका बर्डन आखिरी एक दो दिन पे शिफ्ट हो जाता है तो जब उन पर डेड को अचीव करने का टास्क दिया जाता है तो चांसेस ऑफ देयर इंजरीज में भी देयर दे विल डू दे वर्क इन एन स्पीडी वे दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसिस ज़्यादा होते हैं ओबैसिटी एंड एक्सीडेंटाइजेशन ओबैसिटी आपको मालूम है कि मोटापा को कहते हैं Ohio स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में है वहाँ पे रिसर्चर ने ये स्टडी की और उसमें इस बात को कंक्लूड किया उनकी रिसर्च की ये फाइंडिंग्स हैं कि जो इम्प्लॉइज़ ओबैसिटी का शिकार होते हैं या जो इम्प्लाई मोटापा का शिकार हो जाते हैं उनमें चांसिस ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्दी एंड फिट इम्प्लाईज़ ओबेसिटी एंड एक्सीडेंटाइजेशन इट इज़ बैड न्यूज बिकॉज दस्ट्रेलियन स्टडी कंक्लूडेड दैट मोर पीपल सिट एट डेस्क ड्यूरिंग द वर्क डे द मोर लाइकली दे आर टू बी ओवरवेट ये भी देखा गया है कि जो एम्प्लाई अपनी वर्क प्लेस पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और बाकायदगी से एक्सरसाइज नहीं करते वॉक नहीं करते हेल्थ केयर रिलेटेड इशूज़ को नहीं देखते तो वहाँ पर यह चीज़ देखी गई है कि वो ओवर वेट हो जाते हैं और ओबैसिटी की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ओबैसिटी हैज लॉन्ग एसोसिएटेड विद सच क्रोनिक डिजीज विच इंक्लूड्स ब्लड प्रेशर क्रोनिक हार्ट डिजीज डायबिटीज एंड सर्टन अदर प्रॉब्लम एंड दीज आर द रीज़न इंजरीज में बी देयर सो द इम्प्लाइज शुड अवॉइड फ्राम दिस हार्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड दे शुड स्पेंड देर हेल्थी लाइफ